हेलो टू ऑल, हमारा आज का टॉपिक है लिस्ट ऑफ सम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर यूज। ये जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके ऊपर देश भर के अंदर जो विभिन्न एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखिए ऑक्सीनोमीटर। इस ऑक्सीनोमीटर का उपयोग जो है वो बायोलॉजी लैब्स के अंदर होता है और ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है किसको, रेट ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स को। यदि हम पादपों के अंदर, प्लांट्स के अंदर रेट ऑफ ग्रोथ को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम ऑक्सीनोमीटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। मतलब इट इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंक्रीज और रेट ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स। तो इसका उपयोग बायोलॉजी लैब्स के अंदर प्रैक्टिकल्स के दौरान इसका उपयोग होता है। क्रेस्कोग्राफ, ये क्रेस्कोग्राफ भी बायोलॉजी लैब्स के अंदर यूज होता है और इसका सबसे पहले जो आविष्कार है वो सर जेसी बोस ने किया था। और ये भी इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्लांट्स के अंदर ग्रोथ को क्या करता है, मेजर करता है। सो क्रेस्कोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द ग्रोथ इन द प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ को मेजर करने के लिए हम ऑक्सीनोमीटर्स का भी यूज करते हैं और हम क्रेस्कोग्राफ का भी यूज करते हैं। ओके, नाउ यहां पर एक है एममीटर। एममीटर का जो उपयोग है वो फिजिक्स के अंदर किया जाता है, फिजिक्स लेबोरेटरीज के अंदर किया जाता है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, यानी कि किसी भी एक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है उसको हम एममीटर कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसको एममीटर नाम क्यों दिया गया। इसको एममीटर नाम इसलिए दिया गया क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर किया जाता है, एम्पियर के अंदर मेजर किया जाता है, और एम्पियर से नाम क्या बना, एममीटर। सो वी कैन से दैट एममीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। ओके, नाउ एक और चीज देखिए, बैरोमीटर। ये बैरोमीटर क्या है, ठीक है, तो ये देखो, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और द एयर प्रेशर, यानी कि ये एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम वायुमंडलीय दाब या एयर के प्रेशर को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर प्रेशर। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर क्या है, जैसे कि नेम शो कर रहा है, एनीमो वर्ड यूज जो होता है वो विंड के लिए होता है, एयर के लिए होता है, ओके, वायु के लिए होता है। तो एनीमोमीटर क्या है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग विंड स्पीड और विंड वेलोसिटी। यदि हम वायु के वेग को यदि ज्ञात करना चाहते हैं, विंड की वेलोसिटी को या विंड की स्पीड को ज्ञात करना चाहते हैं, तो जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एनीमोमीटर कहते हैं। एनीमो वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है एयर या विंड। सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग विंड स्पीड और विंड वेलोसिटी। थर्मोमीटर, ये बहुत कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, आप सब जानते हैं, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। तापमान को ज्ञात करने के लिए किसका यूज होता है, थर्मोमीटर्स का, राइट। जब हमें कोई फीवर वगैरह आता है तो जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो कौन सा है, थर्मोमीटर है, और ये टेम्परेचर को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग होता है। ओके, पाइरोमीटर। ओके, नाउ ये जो पाइरो वर्ड जो होता है वो किसके लिए होता है, हाई टेम्परेचर के लिए होता है। ओके, पायरो वर्ड किसके लिए होता है, हाई टेम्परेचर के लिए। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि पायरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द हाई टेम्परेचर। यदि हम बहुत उच्च तापमान को यदि ज्ञात करना चाहते हैं, उच्च तापमान को मापना चाहते हैं, तो जिस यंत्र का यूज होता है उसका नाम क्या है, दैट इज नोन एज द पायरोमीटर। ओके, क्रायोमीटर। अब देखिए, पायरो वर्ड जो होता है वो हाई टेम्परेचर के लिए यूज होता है और क्रायो वर्ड जो यूज होता है वो लो टेम्परेचर के लिए यूज होता है। तो सिंपल है, ये क्रायोमीटर क्या है, एक ऐसा थर्मोमीटर है, ये बिल्कुल एक थर्मोमीटर की तरह है क्योंकि ये टेम्परेचर को नाप रहा है, तो इट इज अ थर्मोमीटर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर को मापने के लिए जिस यंत्र का यूज होता है वो कौन सा है, क्रायोमीटर। तो दो तरीके के मीटर्स के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में याद रखना, पायरो और क्रायोमीटर। पायरो इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर और क्रायो एंड इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द लो टेम्परेचर। ओके, फिर आ जाते हैं कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर, ओके, कैलोरी मीटर क्या है,
ये एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है या एक ऐसी डिवाइस है विच इज यूज फॉर मेजरिंग द हीट इन्वॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. किसी भी एक रासायनिक क्रिया के दौरान जो हीट इन्वॉल्व हुई है राइट उसको मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो कौन सा है, कैलोरीमीटर. कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग हीट इन्वॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन और अ मैकेनिकल रिएक्शन और अ इलेक्ट्रिकल रिएक्शन. कोई भी किसी भी प्रोसेस के अंदर किसी भी रिएक्शन के अंदर जो हीट इन्वॉल्व हुई है उसको मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, कैलोरीमीटर है. अब आ जाते हैं एक बहुत कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जिसका कि नाम है वोल्टमीटर. जैसा कि नाम दर्शा रहा है वोल्टमीटर किसको मेजर करेगा, वोल्टेज को मेजर करेगा. अब वोल्टमीटर कैसे काम में लेते हैं, तो इट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट. इट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट. मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर दो पॉइंट्स के मध्य में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को यदि हम ज्ञात करना चाहते हैं तो हम एक डिवाइस को यूज करते हैं और उसका नाम क्या है, वोल्टमीटर है. तो स्टूडेंट्स आज जो हम लोगों ने यहाँ पर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े उसमें हमने ऑक्सीनोमीटर, क्रेस्कोग्राफ, एलमीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, थर्मोमीटर, पायरोमीटर, कायरोमीटर, कैलोरीमीटर और वोल्टमीटर की बात की. इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की बात की थी. ये आपके लिए एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी. मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स अ लॉट. यदि आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं.